किस तरह की पॉलिटिक्स है, क्या इसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स माना जाए या क्या है भारतीय ट्राइबल पार्टी, आप इसके बारे में पहले बताएं। सबसे पहले तो आपका ये न्यूज चैनल है उसको धन्यवाद जोहार, आपने भील प्रदेश में आके हमारा जो बात आगे ले जाने की बात कही है। भारतीय ट्राइबल पार्टी एक विचारधारा है, पार्टी नहीं है ये, जो दबे कुचले लोग हैं और दूसरा इस देश के मूल मालिक हैं। हम नहीं बोल रहे, संविधान बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, देश के मूल मालिकों की आवाज़ आज तक दबाई जा रही थी उसको आगे करने के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी अपना काम कर रही है। दूसरा, इस इलाके में भारत देश के अंदर जो दलित समाज है उसको कहीं ना कहीं आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी आवाज़ को संसद में रखने के लिए, उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ट्राइबल पार्टी का एजेंडा है। दूसरा, इस आपका ओबीसी वर्ग का लोग है वो भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित है। दूसरा, तीसरा, यहाँ का जो इस इलाके में भारत देश के अंदर जो एक राजनीति चल रही है धर्म के नाम पे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उसका भी विरोध करते हुए भारत का नाम संविधान में इंडिया दैट इज ए भारत लिखा हुआ, ये लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं और हमारे इलाके में आरएसएस और वनवासी के नाम से आदिवासियों को गुमराह करने का काम चल रहा है, उसके एंटी में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा, मुस्लिम समुदाय को आज कोई भी आदमी प्रताड़ित करना चाह रहा है, मुस्लिम समुदाय आज देश में सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम कहीं ना कहीं प्रताड़ित है, आपको भी मानना पड़ेगा, सारे देश को मानना पड़ेगा, नरेंद्र जी मोदी को मानना पड़ेगा और राहुल गांधी को भी मानना पड़ेगा, फालतू की राजनीति करते हैं ये लोग। हमारा सवाल ये जो बीटीपी आने के पीछे है बुनियादी रूप में, जैसे मान लो मैं भी आया हूँ तो ये कहता हुआ भाई कांग्रेस और बीजेपी के जुड़े हुए प्रतिनिधि आदिवासियों के नाम पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासियों के नाम पर छुड़े हुए, लेकिन उन लोगों ने उसकी निंदा भी नहीं की, उसको रद्द कराने की बात भी नहीं की, 13 लाख कहाँ जाएंगे इसके बारे में बात नहीं की। अभी हाल 10 मार्च को भारत सरकार ने एक बहुत चोरी छुपे 1927 का जो वन विभाग कानून था, जबकि आदिवासी तो यहाँ का मूल मालिक था, उसको ऊपर अंग्रेज ने 1927 में वन विभाग थोपा गया था, उस टाइम पर भी विरोध हुए, लेकिन उसको भी अभी 10 मार्च को इस बात के लिए चोरी छुपे भारत सरकार ने किया है कि उसमें रूढ़िगत ग्राम सभा जो फैसला कर लेती थी वो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता था, लेकिन उस कानून में ये कर दिया कि नहीं, वो फॉरेस्ट एक्ट के ऊपर लागू नहीं होगा और जंगलात में रहने वाला अगर कोई आदिवासी है वो हथियार भी लेके जाएगा तो वो तीर कमान से लेके वो कुछ भी उसके साथ नहीं रख सकता है, जंगलात वाला उसको गोली भी मार देगा तो उसके ऊपर उसको कोई कानून उसके ऊपर लागू नहीं होगा। ये 10 मार्च 1919 की अभी हाल संशोधन किया जा रहा है। 2006 वन अधिकार कानून के अंतर्गत ये दिया गया था किसी भी प्रकार का फॉरेस्ट में जो रह रहा है चाहे उसके साथ परंपरागत रूप में कोई भी दूसरा भी समुदाय रह रहा है तो उसको भी उसका कानूनी अधिकार दिया जाएगा, उसको बेदखल नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी ये 10 मार्च वाले में क्लियर कट है कि वह वन कानून के अंतर्गत गवर्नमेंट तय करेगी कि ये कौन सी कैटेगरी का जंगल है जिसमें केवल शेर पाले जाएंगे या पशु पाले जाएंगे, वहाँ से आदमियों को टोटल को बेदखल करने का षड्यंत्र है। दूसरी बात, जिनमें जल जमीन जंगल एक बहुत बड़ा हमारा जो रूढ़िगत ग्राम सभा मानो या पेशा कानून के अंतर्गत मानो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यहाँ जहाँ आप खड़े हो यहाँ भारत सरकार का उपक्रम था हिंदुस्तान जिंक, जिसमें मैक्सिमम घर घर से जो बच्चे थे वो रोजगार पर लगते थे, लेकिन इसी ने अटल बिहारी वाजपेयी की पहले वाली सरकार ने इस उपक्रम को प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया और आज उस प्राइवेट उपक्रम की हालत यह है कि जबकि वहाँ से उत्पादन का 26% रॉयल्टी उस पंचायत को दिया जाना चाहिए डेवलपमेंट में, लेकिन वो तो धरा रह गया, उसके बजाय यहाँ के बच्चों को उसमें रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है। और कल आप अगर झारखंड से आए हो और 60,000 रुपया देकर उसके अंदर नौकरी लगना चाहो तो कल आपको मस्टोल पर रख देगा, यहाँ के बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है। ये अंदर ही अंदर जो इतना असंतोष है, हमारे आंखों के सामने आप सोना चांदी निकल रहा है उसको तो लेके जा रहे हो और यहाँ का बच्चा उसका मुँह ताकता रह रहा है, तो ये धीरे धीरे जिस तरह के एक्ट और संशोधन किए जा रहे हैं ये इसके भारी असंतोष के कारण है। भील प्रदेश बनाने का जन जागरण हो रहा है, भील प्रदेश बनेगा, ये बीटीपी का एजेंडा है और हमारे आदिवासी समुदाय का एजेंडा है कि भील प्रदेश बनना चाहिए। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जो 5वीं अनुसूची का इलाका है उस इलाकों को लेके हम लोग काम कर रहे हैं और भील प्रदेश बनना चाहिए, बनना चाहिए, 5th शेड्यूल लागू होना चाहिए, धरातल पर क्रियान्वित होना चाहिए और आपका ये जो सुप्रीम आपका संविधान में दे रखा है आर्टिकल 243(z)(c) के अंतर्गत इस इलाके में नगर परिषद नगर पालिका नहीं होनी चाहिए, अवैध है, गैरकानूनी है, बोल रहा है
संविधान बोल रहा है, लेकिन संविधान को दरकिनार करते हुए इन लोगों ने इस इलाके में नगर पालिका नगर परिषद बनाया है, उसके लिए भी हमारा फाइट है। वी ऑल द फाइट इन लोगों के अगेंस्ट में है, क्योंकि ये उपनिवेश बना रहे हैं जैसे अंग्रेजों के समय में बनाया था, वैसा उपनिवेश बना के आदिवासी इलाके में सारी जमीन अधिग्रहण करने का मामला है। अभी वर्तमान बीजेपी सरकार है, उस सरकार ने हमारी पैरवी सही नहीं की और उसके अंदर 47 सांसद जो बैठे थे वो चाय और समोसा खाने के लिए गए और आदिवासियों की पैरवी सही नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग वहाँ पर जाके 11 लाख आदिवासी का जो दावा था, यानी 11 × 5, एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं, 55 से 60 लाख और कुछ दावे पेश ही नहीं हुए, 1 करोड़ आदिवासी को तबाह करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके लिए भी हम बीटीपी आवाज़ उठा रही है कि जंगल जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा पहला अधिकार है, ये सारी बातें बीटीपी उठाने वाली है। वो मूल अधिकारी कहता है मैं भारत का मूल मालिक हूँ, लेकिन पुलिस वाले के हाथ लग जाता है तो वो सारे के सारे उसकी बेइज्जती करके और ये रख देगा। वो भारी असंतोष इसके बीच में, एक प्रेस्टीज, एक स्वाभिमान, और मैं तो यहाँ कर रहा हूँ ये व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, ये पीछे जाने वाला नहीं है। मेरे जैसे गिनती के आदमी इस मूवमेंट में दिखेंगे, बाकी 80% बच्चे केवल यूथ और यूथ है, वो पीछे जाने वाले नहीं है। आप जो आज इस आवाज़ को उठाने के यहाँ तक आए हो, मैं समझता हूँ यहाँ की बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें पानी है, इस इलाके में पानी रिजर्व है, वो हिंदुस्तान जिंक के ये खेत सूखे पड़े हैं, ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपके बीच से ही एक कैंडिडेट जाता है, या वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, होता वो ट्राइबल कम्युनिटी से ही है, फिर कहाँ प्रॉब्लम आती है, वो क्यों फेल कर जाता है अपनी कम्युनिटी की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाने में। अभी हाल में हमारे यहाँ पर एक विधायक पार्लियामेंट बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है, अर्जुन लाल मीणा जी, वो सांसद प्रेजेंट सांसद भी है। अभी हमारे यहाँ पर बीजेपी के अर्जुन गुलाब चंद जी कटारिया, उनके वो पैरों में बैठे हुए हैं और उनके पैर पकड़ रहे हैं, परसों टिकट उनका कल भरा जाएगा, तो हमारा ये मानना है कि वो वफादार होना चाहिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन उस पब्लिक के लिए, वो उन पब्लिक के अधिकारों के लिए सुरक्षात्मक अधिकार दिए गए थे संवैधानिक रूप में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन, उस जनता के अधिकारों की सुरक्षा को आवाज़ उठाने के लिए ये रखी गई है, लेकिन आज वह या तो भूमि दलालों के वफादार सिपाही बने हुए हैं और वही पॉलिटिकल पार्टी या तो शराब के माध्यम से गरीब की मजबूरी का फायदा उठाकर ले लेती है, उन्हीं के मुखियाओं को थोड़ा बहुत लालच दे दे के और उनमें फूट डालकर वो षड्यंत्र कर रहे हैं। और अभी मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ जनता के बीच में से, जो प्रतिनिधि वफादारी के साथ में आदिवासी कम्युनिटी के साथ नहीं रहे हैं, शायद आने वाला टाइम उसका बहुत बड़ा घुसने भी नहीं दी जाएगी, इतना असंतोष गाँव के बीच में उभर कर आ रहा है ड्यू टू रीजन, क्योंकि उनके आंखों के सामने बच्चा बेरोजगार है, उसके आंखों के सामने उसका माइंस का माल निकाल कर दूसरा लेके जा रहा है, उसके पानी को रिजर्व करके आप अपनी माइंसों में ले जा रहे हो और उसका खेत सूखा हुआ है, उसके फसल में ही उसकी जमीन खातेदारी नहीं है, रोड के रोड निकाले जा रहे हैं लेकिन जमीन खातेदारी नहीं है तो उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो जाके किसके सामने बोले कि आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर रेल लाइन आए, आप नहीं चाहते हैं कि किसी तरह के कोई और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए, तो आपको लगता नहीं है कि ये जो आपकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी? और दूसरी बात ये कि ये विरोध, इन विरोध के साथ आप अपने जो आपका जो एस्पिरेशनल यूथ है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करवाएंगे अगर ये प्रोजेक्ट्स नहीं आए तो? अभी आपका सवाल था विकास का विरोध हो रहा है कहीं ना कहीं, जरा आपका कैमरा उधर घुमाइए, हट जाइए साइड में, हट जाओ थोड़ा सा, वो दिख रहा है पूरा, साइड में भैया, वो दिख रही है पूरा, यहाँ पे अगर कल फैक्ट्री लग जाएगी विकास के नाम से तो लोग क्या खाएंगे, ये जमीनें चली जाए, जमीनें चली जाएगी, लोग कहाँ रहेंगे, ये विकास होगा क्या? अभी हमने कहा रेल का मामला है, बहुत सारे आदिवासी जहाँ बरसों से हजारों साल से उस इलाके में रह रहे हैं वो सारी ज़मीनें अधिग्रहित कर ली गई, झोपड़े थे वो हटा दिए गए, अब रेल में क्या करना है हमारे इलाके में, मैंने पहले ही कहा है रेल लाने के लिए उनका षड्यंत्र है, इस आदिवासी इलाके में हजारों करोड़ लाखों टन मार्बल माइंस यानी खनिज संपदा छिपी हुई है, उसको निकालने के लिए, चोरी करने के लिए रेल ला रहे, नहीं चाहिए हमको रेल, ये युवा कैसे रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, मैंने कहा ये खेत खलियान है, यहाँ पानी नहीं है, माही का पानी, कडाना का पानी, यहाँ बड़े बड़े डैम है उसका पानी अमरेली जा रहा है, गुजरात
गुजरात के आदिवासियों को नहीं मिल रहा है, राजस्थान के आदिवासियों को मिल रहा है, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को पानी नहीं मिल रहा है। कम से कम इस खेत में पानी तो जाए, विकास कैसे होगा, रोजगार कैसे उत्पन्न होंगे। हम प्रकृति पूजक हैं, इस धरती के वारिस हैं और हम किसान हैं, आदिवासी के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार जमीन से ही निकलेगा और जमीन से ही रोजगार उत्पन्न होगा और जमीन के अंदर ऐसी फसलें पैदा होगी, उस फसलों से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती है और इस फसल से सारा विश्व चलता है। जो आप और हम सब ये पेट भरते हैं वही रोजगार नहीं है तो क्या है, और कौन सा रोजगार चाहिए। यहाँ से अनाज पकाइए, सब्जी पकाइए, फल फ्रूट पकाइए, फल फ्रूट पकाइए और वो फल फ्रूट बेचिए, पैसा आपको मिलेगा, हमारे युवाओं को मिलेगा। और दूसरा, गवर्नमेंट की नौकरियां हैं छोटी मोटी, वो भी तो हैं, रेल से थोड़ी होगी, पावर प्लांट से थोड़ी होगी। अब सर पावर प्लांट का बात आता है, रोजगार की बात आती है, अगर पावर प्लांट बन भी जाता है इस इलाके में तो कौन से आदिवासी युवा ने आज इंजीनियरिंग कर रखी है, कौन से आदिवासी आज टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं, कौन से आदिवासी आज मानसिक तरीके से आज इतने डेवलप हो चुके हैं। तो यहाँ इंजीनियरिंग आपका पावर प्लांट बनेगा तो जितने भी इंजीनियरिंग बाहर से आएंगे सारी नौकरियाँ वो ले जाएंगे, सारे रोजगार वो ले जाएंगे, हमारे आदिवासी को एक मजदूर बना के ही रखेंगे और वो झाड़ू निकालता ही नजर आएगा। इसलिए ये पावर प्लांट हमको नहीं चाहिए, ये तो रोजगार की बात होगी, लेकिन पावर प्लांट से इतना रेडिएशन बाहर निकलेगा, आप वंडर कर सकते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम हुआ था उस बम के अंदर मात्र 1 MB का था, इतना सुनना है शायद 2 MB का होगा, तो आज तक वहाँ घास नहीं उगी है हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। और ये जो बांसवाड़ा के अंदर पावर प्लांट लगाया जा रहा है वो 20,000 MB का है, तो उसके रेडिएशन से ही आने वाले संतानें लूली लंगड़ी बेरी इंसानी पैदा नहीं होंगे। कभी हमने राजस्थान राजपूताना देखा है, इसमें 70 साल में हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो हमें भील प्रदेश चाहिए जो गुजरात राजस्थान का ये पार्ट MP रतलाम और आगे महाराष्ट्र तक में ये जाता है, अगर इसको इनकी पर्टिकुलर समस्याओं को लेकर अगर ईमानदारी से भारत सरकार इसको दूर करना चाहती है तो वह इनका प्रदेश बना दे, इनकी समस्याओं का एक आयोग पहले भी बैठे है, बोरिया कमीशन बैठा है और भी आयोग बैठे हैं। सोर्सेज आपके पास नहीं है, कैसे चैलेंज करेंगे आप इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को? रिसोर्सेज तो हमारे पास नहीं है, मैं स्वयं BPL परिवार से हूँ, ये सारे BPL परिवार से हैं। रिसोर्सेज मतलब हमको ये गांव में फील्ड में दौड़ना यही हमको चाहिए ना। अभी चुनाव के लिए 12,500 रुपये कुछ राशि थी, वो हमारी लोगों ने ही निकाल के दिया मुझे। अब रिसोर्स हमारे पास नहीं है, अभी ये जितने भी हमारे ये घणवीर आए हैं, हम इनको लोग नहीं बोलेंगे, मतलब गणतांत्रिक देश के अंदर घणवीर, भारत देश के अंदर ये घणवीर आए हैं, वो अपने स्तर पर अपने दम पर उन लोगों से टक्कर लेंगे, मुकाबला लेंगे और निश्चित रूप से ये कुदरत हमारे साथ में, ये सूर्य हम जिसकी प्रकृति पूजा करते, सूर्य उनको रोज ताकत देगा, पृथ्वी अपने आप उनको ताकत देगी, पेड़ पौधे ताकत देंगे, पानी ताकत देगा, हवा ताकत देगी और कांग्रेस BJP हमारे इस तूफान और जलजल के सामने कहीं ना कहीं नष्ट नाबूद हो जाएगी। तो कांति का विरोध कोई दूसरा सकता है, लेकिन अपना चुनाव चिन्ह है, लोगों को बचाना है, अंदर जाना है, तीसरे चौथे पांचवे छठे नंबर पे हो वो नंबर गिनना है, अपना आंगले गणा का आंगले, एक दो तीन चार पांच है, तो पांच आंगले मिल जाओ, एक दो तीन चार चार नाम है।